वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। तो गाइस आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। सो गाइस अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है गाइस 9:50 और मस्त मैं अभी नहा धो के रेडी हो चुका हूँ गाइस। और आज मस्त सुबह सुबह नहाया धोया हूँ, एकदम रेडी हो चुका हूँ क्योंकि गाइस आज हम लोग जा रहे हैं लखनऊ से गाँव। हाँ गाइस, और अभी लखनऊ में बहुत दिन रुक चुके और अभी आप लोग सोचेंगे आधी जगह तो घुमाएंगे, वो आधी जगह फिर कभी नेक्स्ट टाइम के लिए रखने भाई, आएंगे नेक्स्ट टाइम तो घूमेंगे, ठीक है। तो हाँ, और अभी यहाँ से लखनऊ से सीधा गांव जाएंगे और गांव घुमाएंगे गाइस, अपना गांव कैसा दिखता है, एकदम प्यारा वाला गांव है। मेरा गांव है तो मैं तो देख चुका हूँ कैसा एकदम प्यारा वाला गांव है भाई, आपको भी दिखाएंगे कैसा दिखता है, मस्त फुल घुमाएंगे पूरा अपना गांव दिखाएंगे भाई, ठीक है। तो चलो अभी फर्स्ट फटाफट अपना सामान वगैरह पैक कर लेते हैं, फिर सामान पैक करने के बाद यहाँ से जाएंगे मेट्रो स्टेशन, फिर वहाँ से आपको रास्ते में जहाँ जहाँ जाएंगे सब बताएंगे। और लखनऊ से कैसे जौनपुर, हाँ लखनऊ से जौनपुर जाना है तो कैसे जाते हैं, क्या क्या होता है, वो सब आपको ब्लॉग में धीरे धीरे पता चलते रहेगा। तो चलो अभी खैर अभी भगवान का पैर पढ़ लेते हैं फिर निकलेंगे गाइस घर से। और सबसे इंट्रोड्यूस अभी नहीं करवा सकता क्योंकि अभी सब लोग सो रहे हैं गाइस, खाली बुआ जाग रही हैं, बाकी अभी फूफा सो रहे हैं, आदेश सो रहा है, काजल दीदी, कृति दीदी, अभी सब लोग सो रहे हैं गाइस, तो इसीलिए अभी सबसे इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकता क्योंकि ठंडी का मौसम भी है इसलिए सब लोग सो रहे हैं भाई। और भाई मैं रात को 12:30 बजे देख रहा था, इतना फॉग हो रखा था, इतना फॉग हो रखा था पूछो ही मत भाई, लिटरली बता नहीं सकता, बहुत फॉग हो रखा था। अभी भी है, उतना नहीं है पर मुंह से धुएं निकल रहे हैं बात करने में। ये देखो अभी ज़्यादा फॉग तो नहीं है पर थोड़ा थोड़ा तो है भाई, ये देख ही सकते हो, ठीक है, उतना ज़्यादा भी नहीं है। रात को भाई वो वाइट वाला घर दिख रहा है वहाँ पे, वो सब दिखना मुश्किल हो जा रहा था भाई, दूर यहाँ से रोड तक गाड़ियाँ नहीं दिख रही थी, बहुत फॉग रखा था। अभी तो ठंडी स्टार्ट हुआ, आगे चल के इतना फॉग होएगा कि पूछो मत। प्लान तो अपना नाइट के टाइम पे ही निकलने का था पर नाइट का प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि बहुत फॉग रखा था। और मतलब अच्छी बात नहीं है, फॉग हो रखा है, सामने दिखे ना दिखे दुर्घटना के चांसेस ज़्यादा रहते, इसलिए भाई नाइट को कैंसिल करके मॉर्निंग के टाइम पर रख लिए, थोड़ा तो फॉग कम रहेगा। तो चलो चल लेते हैं भगवान जी का पैर पढ़ लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं। चलो भाई अभी आ गया हूँ भगवान जी का पैर पढ़ने के लिए, देख सकते हो मस्त भगवान जी का पैर पढ़ के जाने का कहीं भी। तो हे गाइस अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं गाइस मुंशीपुलिया मेट्रो स्टेशन के लिए गाइस। तो हाँ टोनी चाचा हमको जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन छोड़ने, जो कि ये रहे अभी ड्राइव कर रहे हैं। तो चलो यहाँ से चलते हैं मेट्रो स्टेशन भाई, और मस्त सुबह सुबह ठंडा लग रहा है भाई, ठंडा मौसम हो रखा है पूरा, आपको दिखाता हूँ मस्त। और ये देखो भाई कितना फॉग हो रखा है पूरा, दिख रहा है आगे का दिखना मुश्किल हो जाता है। अभी हम लोग मुंशीपुलिया मेट्रो स्टेशन पहुंच गए हैं जो कि ठीक मेरे सामने है, ये देखो भाई ये रहा अपना मुंशीपुलिया वाला मेट्रो स्टेशन। तो चलो अभी अपना टिकट वगैरह कट करवा लेते हैं आलमबाग के लिए, ठीक है, आलमबाग मेट्रो स्टेशन जाएंगे। तो चलो भाई चलते हैं, अभी हम लोग टिकट वगैरह कट करा चुके हैं आलमबाग बस स्टैंड के लिए जो कि अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रेड लाइन वाला मेट्रो पकड़ेंगे आलमबाग के लिए। तो चलो चलते हैं भाई। हम लोग आलमबाग बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं क्योंकि अभी हमारी मेट्रो उतार चुकी है, अब जा रही है, ये देखो हमको हमारी मेट्रो उतार के अभी जा चुकी है। गाइस अभी हम लोग आलमबाग मेट्रो स्टैंड से हम लोग बाहर की तरफ कर चुके हैं एग्जिट गाइस, और अब यहां से पकड़ते हैं बस जौनपुर के लिए गाइस, ठीक है। अब जौनपुर जाते जाते जो भी रास्ते में सीन पड़ेगा वो आपको दिखाते हुए जाएंगे भाई। और मस्त ठंडी का मौसम भाई, मुँह से धुएं निकल रहे भाई, ये देखो। और अब मैं बाहर भी आ चुका हूँ, ये देखो सब बस लगी हुई है, दिख रहा है आपको गाइस, ये देखो बाहर की तरफ आ गए हैं।
आप लोग जैसे ही आलमबाग मेट्रो स्टेशन पहुंचोगे तो आपको ये मॉल दिख रहा है, ठीक है, जस्ट इधर आलमबाग बस टर्मिनल, ठीक है, अंदर वहाँ पे जाना है अपने को। वहाँ पे आपको जहाँ पे भी जाना है सब बस लगी रहेगी, आपको जहाँ पे भी जाना है बैठ जाना, ठीक है गाइस। और आपको देखो फॉग जैसा दिख रहा होगा भाई, ये देखो दिख रहा है, बहुत फॉग हो रखा है भाई, बहुत है भाई, एकदम एकदम कानों में सरसुर हवा जा रही है भाई। चलो चलते हैं बस, अपना बैठ जाते हैं बस में अच्छे से गाइस, फिर आपसे मिलते हैं। ले रही अपनी सीट और सामान ऊपर रख दिया हूँ, तो चलो अब यहाँ पे सीट पे बैठने, और बस भी निकली रही है, देख लो बस चल रही है अभी अपनी, ये देखो बस चालू हो चुका है, बस निकल रहा है। तो चलो अब यहाँ से जौनपुर जाते जाते रास्ते में जो भी सीन पड़ेगा वो आपको दिखाते हुए जाएंगे गाइस। She got a body like a goddess, and she talks so sweet. It's like I can't believe I'm the one that she wanted. And if I'm really being honest, I know I could be everything she needs if she let me get on it. Yeah. So come here, baby, listen close. Hold me tight, don't let me go. Girl, you know that I'ma want you all my life. तो गाइस अभी बस रुक चुकी है ढाबे पे, और अब मस्त यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्रेश होते हैं और फिर मस्त खाते पीते चलते हैं। अब देखते हैं बस रुकी हुई है तो चलो देखते हैं क्या क्या गर्मा गर्म है, मस्त खाते पीते हैं गाइस। गाइस अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं चाउमीन और बर्गर, ये रहा हमारा चाउमीन, ठीक है चाउमीन रेडी हो रहा है, और ठीक वो रहा बर्गर, ठीक है देख लो बर्गर रेडी हो रहा है मस्त। तो चलो अब चाउमीन बर्गर निकल के रेडी होके आ जाता है गाइस, फिर खाते हैं भाई। ये अपना चाउमीन मस्त एक प्लेट निकल के और एक बर्गर आ चुका है, तो चलो अब मस्त खाते गर्मा गर्म चाउमीन और बर्गर, फिनिश कर लेता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे गाइस। फाइनली गाइस अभी हम लोग जौनपुर पहुंच चुके हैं गाइस, और अभी जौनपुर से जाना है अपने को बर्दा, तो अभी यहाँ से बस लेंगे जाएंगे बर्दा तलक गाइस। तो चलो अब जौनपुर से बर्दा पहुंच जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। गाइस जौनपुर का सीन देख सकते हो कुछ ऐसा है, ठीक है ये देखो, और यहाँ पे बस वगैरह खड़ी रहती है ये देखो, और यहाँ पे मस्त मार्केट जैसा है, खाओ पियो भाई, ठीक है। तो चलो आपको दिखा दिया, ये रहा जौनपुर का चौराहा देख सकते हो, जो कि वो रहा दिखा। तो हे फाइनली गाइस अभी हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं, अपने घर पे यहाँ पे गांव में आ चुके हैं गाइस, और काफ़ी अंधेरा हो चुका है इसलिए अभी तो पूरा नहीं दिखा पाऊंगा, कल हाँ, पर कल सुबह आपको पक्का अपना घर दिखाऊंगा, पर अभी से ही थोड़ा बहुत देख लो, ये देखो दिख रहा है थोड़ा बहुत आपको, पूरा फॉग हो रखा है भाई, ठीक है। और ये रहा अपना घर भाई, ठीक है, जो कि अंधेरे में अभी फॉग हो रखा है, नहीं दिख रहा भाई, तो ठीक है। तो चलो चलो अभी अपना डिनर निकल के आ चुका है, मैं तो घर पे कब का आ गया था, व्लॉग वगैरह नहीं किया था, तो अभी चलो डिनर निकल के आ चुका है, डिनर कर लेते हैं गाइस। तो गाइस ये अपना डिनर निकल के आ चुका है, देख सकते हो मस्त पूड़ी है एंड सब्जी है। तो चलो मस्त अभी डिनर वगैरह फिनिश कर लेता हूँ गाइस, फिर मिलता हूँ आपसे डिनर फिनिश करने के बाद गाइस, ओके। तो हेलो गाइस, दिस इज नेक्स्ट डे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। तो गाइस आप सभी कैसे हैं, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। सो गाइस कल का ज़्यादा व्लॉग तो बना नहीं है, इसलिए आज और कल दोनों मिला के अब परसों आएगा व्लॉग गाइस, ठीक है। और अभी मस्त चाचू के साथ जाएंगे थोड़ी देर में घूमने कहीं पे, ठीक है, जो कि अभी घर पे यहाँ पे मस्त प्रांशी भाई चाय ब्रेड वगैरह खा रही है, आपको दिखाऊं, ये देखो। हेलो प्रांशी, हेलो हेलो करो, हेलो, अभी भाई चाय एंड ब्रेड खा रही है भाई साहब। प्रांशी हाय कर दो, प्रांशी हाय कर दो, प्रांशी हाय कर दो, कितने क्यूट क्यूट है प्रांशी, क्यूट 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 क्यूट। आपको अभी अपना गांव दिखा दूँ, ये देखो भाई, ये रहा अपना पूरा, यहाँ से अपना द्वार है इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और ये रहा अनिल दादू का घर वगैरह, ठीक है, आपको पूरा रिव्यू दे रहा हूँ भाई, ये देखो आगे पूरा पोखरा जैसा है। चलो चलते हैं देखते हैं, ये धन्नो भाई मतलब बाइक खड़ी है, और नीचे पूरा पोखरा भाई साहब, देखते हैं उसमें क्या क्या है गाइस, क्या नहीं है, आ जाओ भाई, पानी तो है ये देखो,
देखे दिख रहा है, अरे कचड़ा हो रखा है, सब लोग फेंकते हैं ना इधर ही, इसलिए कुछ ऐसा सीन है भाई। एकदम फॉग फॉग हो रखा है भाई, ठंडी के मौसम में आए तो फॉग दिखेगा ही, देखो कुछ ऐसा सीन है। और उधर गाय भी है वो देखो, चलो चलते हैं भाई पास में। और ये रही अपनी धन्नो अभी जो कि जाएंगे चाचू के साथ, यहाँ पे अपना गाय वगैरह भाई, ठीक है देखो। ओहो भाई सब हाय कर रहे हो, हाय कर दो, अरे यार हाय वाय कर दो, गाइस को हाय कर दो, हाय वगैरह कर दो, हाय देखो गाइस हाय कर रही है, ठीक है मुंडी से जवाब दे दिए, ठीक है हाय कर दो बाय भाई। देख लो भाई यहाँ पे पूरा चिड़ियों का चहचहाने की आवाज़ आ रही है, ये रुका पूरा पोखरी पोखरी जैसा है पूरा। और ये है गाइस जामुन का पेड़ भाई, जामुन उगते हैं खाते हैं भाई साहब, ठीक है। और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है भाई, इतना चहचहा रहे हैं। और ये सब लहसुन का पत्ती वगैरह लगा है शायद, ये देखो शायद से वो है। और ये गाय के उबले बोलते हैं ना, यहाँ पे गोहरी बोलते हैं, ये देखो गाय के उबले वगैरह हैं। और ये और पपाया का ट्री भी है ये देखो, ठीक है एक और जामुन का पेड़ है वो रहा, और ये पपाया का ट्री, अभी पपाया भी है जो कि अभी कच्चे हैं भाई। और ये नीचे का सीन कुछ ऐसा देख सकते हो, नीचे पूरा चहचहाने की आवाज़ आ रही है। आगे यहाँ पे पैक पर जंगल टाइप में, आगे साइड साइड में बांस वगैरह है ना ये देखो। और कुछ ऐसा है भाई अपना सीन घर के यहाँ का, देख लिया आपको तो बाहर का रिव्यू दे दिया, अपना घर दिख ही रहा है भाई सब, ये रहा जो कि काफ़ी ओल्ड हाउस है। और ये रही बाइक जो कि अभी चाचू के साथ हम लोग घूमने जाएंगे थोड़ी देर में। हाँ गाइस अभी चाचू के साथ जाएंगे घूमने बाहर, जो कि कुछ काम है तो। हाँ गाइस अब चलो, अब जब घूमने जाएंगे तब चाचू के साथ जाएंगे तो जाएंगे, और फिर घूम के आएंगे तो आज अपने यहाँ पे गांव के फ्रेंड लोग से भी हो सकता है तो मिलवाऊंगा, वो तो बात की बात है। फिर शाम के टाइम पे मंदिर भी जाएंगे जहाँ पे दादू ज़्यादातर रहते हैं, टाइम स्पेंड अपना मंदिर में ही करते हैं, ठीक है अपना ज़्यादातर टाइम भगवान के दरबार में ही देते हैं भाई साहब। तो शाम को जाएंगे वो मंदिर पे, हम लोग यहाँ पे कुटी बोलते हैं, तो कुटी पे जाएंगे मैं और चाचू मस्त, मैं बाइक चलाऊंगा चाचू पीछे बैठेंगे, और मस्त जाएंगे शाम को मंदिर। और भी जो होएगा देखते जाएंगे गाइस, कैसे क्या ही मजा आने वाला है गांव में, आप लोग पूरा व्लॉग जरूर देखना, खूब मजा आने वाला है, फुल एंजॉय करने वाले हैं भाई गांव में, और गांव की जैसा लाइफ जीने वाले, पूरी दो तीन दिन तीन चार दिन रुकेंगे तो फुल गांव जैसा जिएंगे पूरा। तो चलो भाई मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद आपको, अपना घर ठीक है देख लिए, बाद में टॉप पे भी जाएंगे हो सकेगा तो, देखेंगे सीढ़ी है कि नहीं जाने का भाई, क्योंकि वहाँ पे ये सीढ़ी नहीं है, लगाना पड़ता फिर जाना पड़ता है, ठीक है ये देखो। और इसके पीछे एक लोग का और घर है भाई, किसका है बताऊं, टोनी चाचू जो हमको छोड़ने गए थे स्टेशन मेट्रो स्टेशन तलक भाई, तो उनके घर पे भी जाने वाले हैं टोनी चाचू के घर पे, जो कि मेरे घर के पीछे ही साइड में है, ठीक है गाइस। तो चलो अभी पहले चलते हैं चाचू के साथ बाहर घूम के, मस्त आते हैं भाई, फुल इंजॉय करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पे मस्त मस्त ठंडा मौसम हो रखा है भाई, फुल मज़ा आ रहा है यार, कितना मज़ा, एकदम ठंडा जैसा मस्त वाइब आ रहा है, एकदम पूरा फुल गांव जैसा फीलिंग हो रहा है यार। बाइक से आ गए मस्त घूमते फिरते, मस्त मैं बाइक चलाते हुए आया भाई अंदर तलक, यहाँ पे खेत में है, मतलब चाचू किसी काम है तो किसी से मिलने आए यहाँ पे, बाकी अपने खेत में भी जाएंगे जो कि अपने घर के इधर ही है, पर अभी हम लोग घर से दूर है। और यहाँ पे छोटा सा लेक भी बना है, ये देखो दिख रहा है आपको, दिखा पास से दिखाता हूँ भाई साहब, ये देखो एकदम ठंडा, एकदम फॉग फॉग हो रखा, दिख रहा भाई। और वो रही अपनी बाइक वहाँ पे, मस्त मैं लिख के गया पूरा एकदम अंदर तलक, देखो भाई खेती बाड़ी हो रही है यहाँ पे, तो गांव में तो खेती तो होएगा ही, ये अच्छा लगा भाई अपने को। चलो चलते हैं वहाँ पे भाई, और मस्त मस्त ठंडा हवा चल रहा है भाई, मज़ा आ रहा है भाई फुल, क्योंकि अभी तो घूम रहे हैं, बाइक चला रहा हूँ मैं तो मज़ा आ रहा है मस्त, बाइक चलाने में फुल मज़ा आ रहा है, गांव गांव में पूरा बाइक चला रहे हैं मस्त, घूम रहे हैं पूरा। यहाँ का थोड़ा बहुत सिनेमैटिक वगैरह भी निकाल लेते हैं गाइस, तो चलो सिनेमैटिक में अच्छे से निकाल के दिखाते हैं आपको, ठीक है। और अभी चाचू बात कर रहे हैं, जो कि देख ही सकते हो वहाँ पे बात वगैरह कर रहे हैं, और बाइक वगैरह खड़ी है यहाँ पे भाई साहब।
just your little secret. I didn't hear the sirens. हम लोग आए थे दवाई लेने, खेतों में दवाई वगैरह छिड़कना था, तो जो कि देख लो वहाँ पे मशीन वगैरह दिख रहा है ना, ये रहा मशीन जो खेतों में छिड़कते पकड़ के, और दवाई तो लटका ली है जो कि यहाँ पे है। तो चलो मैं बाइक चलाऊंगा, चाचा अपना ये पकड़ के बैठ जाएंगे जो कि वहाँ पे है, वहाँ पे है वो खेतों में दवाई छिड़कने के लिए, कि पता नहीं कैसा दवाई है, जाएंगे साथ में देखेंगे क्या है। अभी चाचा के साथ अभी घर पे आ चुके हम लोग। ये देखो भाई यहाँ पे बाइक वगैरह खड़ी कर दी है, और जो कि वो रहा मशीन वगैरह, अभी जाएंगे खेत में, चाचू दवाई वगैरह मारेंगे तो हम भी जाएंगे। अभी चलते भाई, ठंडा मौसम है तो मस्त आग वगैरह सेकते हैं जो कि वहाँ पे जल रहा है। देखिए मतलब वहाँ पे यार, वहाँ पे जो चेयर दिख रहा है ना वहाँ पे, और दादू भी आ चुके हैं, अभी आपको मिलवाएंगे बाद में। गाइस अभी मस्त चाचू के साथ आ चुके हैं अभी अपने खेत में गाइस, जो कि दवाई मारना था ना आज, तो अभी चाचू दवाई वगैरह छिड़क रहे हैं खेत में भाई। और अपना खेत भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये रहा ये मेड़ दिख रहा है, ये वहाँ से लेके पूरा अपना खेत है भाई, और वो रहे चाचू दवाई छिड़क रहे। देखो मशीन पीछे लटका लिए हैं और मस्त दवाई दे रहे अपना, और जो कि ये रहा यहाँ पे सब पानी वगैरह रखा है, छोटी बाल्टी में दवाई ये है भाई। देखो मस्त दवाई छिड़क रहे भाई, और ये रहा कुछ खेत का आजू बाजू का सीन। आज फॉग कम है, हाँ भाई कल फॉग बहुत ज़्यादा हो गया था, पता नहीं इतना फॉग क्यों था कल, पर आज कम है, देख ही सकते हो यार। ये देखो पर भाई, ये देखो खेत में आके मस्त ब्यूटीफुल नेचर है, देख रहे हो, और मस्त ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है भाई। चलो यहाँ का थोड़ा बहुत सिनेमैटिक निकाल लेते हैं, फिर दवाई छिड़क जाने के बाद फिर जाएंगे घर पे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. खेत के बीच में खड़ा हूँ, देख ही सकते हो भाई, और मस्त अभी देख रहा हूँ कैसे दवाई छिड़क रहे चाचू, देख रहे हो। देखो किसान लोग को कितना मेहनत करना पड़ता है गाइस, देख लो, देख रहे हो, तब जाके हमको एक अन्न प्राप्त होता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। चाचू के साथ दवाई वगैरह छिड़क के अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं, और मस्त मैं भी नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, वही कपड़ा वापस पहन गया यार, ठंड हो रहा है, फिर कपड़ा तो सूखेगा नहीं हाली, इसलिए वापस से यही पहन लिया, साफ था तो वापस से यही पहन लिया। तो अब मस्त बाइक से जाएंगे भाई, बाजार घूमेंगे और मस्त खाते पीते हुए आएंगे। तो चलो चलते बाजार, फिर जाएंगे मंदिर पे जहाँ पे दादू ज़्यादातर रहते, पूजा वगैरह करते हैं वहाँ पे। अभी चाचा के साथ हम लोग आ चुके हैं मंदिर का, इस जहाँ पे बाबा अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड मंदिर पे ही करते हैं, जो कि ये रात देख सकते हो श्री राम जानकी मंदिर जीवली आजमगढ़ दिख रहा है गाइस, ये राम मंदिर। और ये अपनी बाइक मशीन वगैरह जो कि देना है वापस, हो चुका दवाई छिड़क के, और यहाँ पर दादू बैठे हैं जो कि, तो चलो भैया अंदर की तरफ चलते हैं। मैं तो पैर पड़ लिया हूँ, आपको दिखा रहा हूँ एक बार, मंदिर का टूर दे रहा हूँ। जब मंदिर में भंडारा वगैरह रहता है तो सब लोग यहाँ पर बैठ के मस्त खाते हैं भाई। चलो ये रहा अपना होने वाला है मंदिर के अंदर एंट्री भाई, और ये रहा आम का पेड़ भाई, देख सकते हो कुछ ऐसा सीन है मंदिर के यहाँ का। और यहाँ पे अनाज वगैरह स्टोर है, ठीक है, अनाज वगैरह स्टोर किया जाता है ये रूम में। और ये है मंदिर का किचन वगैरह, जहाँ पे प्रसाद वगैरह भगवान जी का, मतलब जो भी भोग वगैरह बनता है, कुछ अगर भंडारा वगैरह है यहाँ पे तो वो सब बनता है यहाँ पे गाइस। यहाँ पे हवन कुंड वगैरह भी है, हवन वगैरह होता है तो। और सबसे ये देखो गवावा के भी पेड़ है भाई, अमरूद भाई, अमरूद अमरूद है भाई पेड़ पे। एक मिनट गाइस आपको दिखाता हूँ, किधर है यार वो, देखो गाइस अमरूद दिखा गाइस, ये रहा देखो मस्त। अभी एक गवावा तोड़ेंगे भाई, इसमें से तोड़ेंगे एक गवा। तो चलो अभी करते हैं मंदिर के अंदर एंट्री मस्त। मैं तो पैर वगैरह पड़ चुका हूँ भगवान जी का, आपको दर्शन करवाने आया हूँ गाइस, आप भी दर्शन कर लो। चलो ठीक है, जय भगवान जी। देखो ये रहा मंदिर के अंदर का सीन, ये रे भगवान जी, ठीक है पैर पढ़ लिए। चलो अब यहाँ से चलते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे राइट साइड में हनुमान जी का मंदिर वगैरह है, देख रहे हो अंदर, ठीक है। अंदर जाना अलाउड नहीं है, मतलब मंदिर तो ज़्यादातर बाबा ही हैंडल करते हैं, पूजा वगैरह पाठ करते संभालते हैं, तो भी जो है नियम वो है, तो बाहर से पैर पढ़ लो गाइस।
और यहाँ पे भजन कीर्तन भी होता है, कभी कुछ प्रोग्राम वगैरह है तो यहाँ पे मस्त भजन कीर्तन होता है। ठीक है, यहाँ पे सब लोग बैठ के सुनते हैं। तो चलो अभी मंदिर दिखा दिए आपको, कुछ ऐसा मंदिर भाई, ये देखो अंदर से कुछ ऐसा दिखता, देखे ये देखो माइक वगैरह लगा है, शाम को मस्त भजन भक्ति वगैरह चलेगा। और अभी तो अमरूद एक तोड़ूंगा भाई, नहीं अभी तो सोच रहा हूँ अपने को, हम तो आते रहेंगे वापस, अच्छे से थोड़ा सा पैक जान देंगे तब तोड़ेंगे भाई, वेस्ट क्यों करना, अभी खाने लायक तो रहेगा ही नहीं। तो चलो भाई, और आम भी होते ये पेड़ पे भाई, जब आम का सीजन आएगा, मैंगो का सीजन तब। तो चलो अभी यहाँ से करते हैं बाहर की तरफ एक्सिट, और यहाँ पे रूम वगैरह भी है, ठीक है, जहाँ पे दादू रहते हैं। ये रहा कुछ बाहर का नज़ारा, देख सकते हो भाई साहब एक नंबर, देख रहे हो इतना है बाहर जगह पूरा, और चाचू वो रहे खड़े हैं वहाँ पे। चलो भाई यहाँ पे एक अपने को पेड़ दिख रहा है, वो सिनेमैटिक निकालते हैं, सरसों का है खेती है देखो सरसों का, तो वहाँ का सिनेमैटिक निकालते, क्या मस्त रिजल्ट आएगा निकल के। आपको मंदिर का टूर वगैरह दे दिया, तो अभी चलते हैं मार्केट में गाइस, मस्त मार्केट में घूमने। चलो सो ऐसी अभी बादशाहपुर मार्केट देख सकते हो, अभी स्वीट के शॉप पे आए हम लोग, अंदर लौंग लता खाने भाई। चलो ये लो अपना आ गया लौंग लता गाइस, देखो चलो लौंग लता फिनिश करते फिर मिलते हैं आपसे भाई। और यहाँ पे अपनी दुकान भी है जो कि अभी बंद है भाई, ठीक है, मस्त अभी लौंग लता वगैरह खा के अभी आ चुके हैं, चिकन लेने, मस्त दो लौंग लता खाया भाई और मजा आ गया, बहुत दिन से ट्राई वगैरह नहीं किया था, तो लौंग लता शाम को खाया और जलेबी सुबह खाया था भाई गर्मा गर्म। तो चलो अभी चाचू चिकन कटवा रहे, चलो आपको दिखाता हूँ कहाँ पे चिकन कटवा रहे गाइस, चिकन के शॉप रहे, और वो जो हेलमेट पहने वो रहे चाचू, देखो जो हेलमेट पहने वो रहे चाचू, और अपना चिकन कट रहा है वहाँ पे, अंदर नहीं जाएंगे भाई, ये रहा। और चिकन के जस्ट सामने पेट्रोल पंप वगैरह भी है, और ये रहा भाई रोड मस्त पूरा एकदम, गाड़ी 80-90 की स्पीड में लेके जाओ भगा के, मैं तो लेके जाता हूँ चला के चाचू को बैठा के घर तक। चलो चिकन वगैरह कट करवा के और पैक करवाते हैं और फिर चलते हैं सीधा घर पे सब लेके, और कुछ दवाई वगैरह का फिर सामान है, ये देखो खेत में वापस डालने के लिए फिर से दवाई, और नया मशीन वापस आ गया, वो मशीन का बैटरी वगैरह लो हो चुका था तो नया मशीन फिर आ गया। तो चलो अब चिकन वगैरह कट करवा लेते हैं और यहाँ से चलते सीधा घर पे, अब घर पे मिलेंगे आपको गाइस। सो भाई मार्केट से चिकन वगैरह लाने के बाद और मस्त चाचू चिकन बनाए, जो कि अभी चिकन वगैरह बन के रेडी हो चुका है, आ तो कब के गए थे घर पे, पर आया मस्त चिकन वगैरह धुल के रेडी किए और मस्त चिकन बनाए, जो कि ये रात देख सकते हो आप, मस्त हांडी पे भाई, हांडी वाला सिस्टम, मतलब हांडी नहीं है टोपा ही है, पर देखो चूल्हे पे जो टेस्ट आता है ना भाई चिकन का, वो नेक्स्ट लेवल होता है भाई। ये देखो अभी अंदर है भाई, कैसे दिखाऊँ, एक हाथ में ये करूं कि आपको दिखाऊं, बाहर मस्त, ये देखो ऐसी जगह पे चिकन बना के खा रहे, ये देखो अंधेरी रातों में हमारा चिकन, ये रे भाई अपनी धन्नो खड़ी है, जो कि देख ही लिए धन्नो भैया, और वहाँ पे दादू हैं जो कि अभी आग वगैरह जल रहा है, ठंडी का मौसम है तो सेक रहे हैं भाई, आज फॉग कम है कल ज़्यादा था, पर ये रहा हमारा चिकन जो कि देख ही लिए आप, अभी आपको खोल के दिखाए क्या गाइस, अब इसको करेंगे खोलने का प्रोसेस स्टार्ट भाई, ठीक है, इसको पहले छू के देखे गर्म तो नहीं है, नहीं है भाई। चलो ये देखो भाई, ये रहा अपना चिकन, वाव यार अभी हो रहा है भाई, अभी बना नहीं, अभी बन रहा है, पर ये देखो गाइस नेक्स्ट लेवल बन के रेडी हो चुका है, ठंडी ठंडे मौसम में गरम गरम चिकन, वो भी हांडी वाला सिस्टम, ये देखो, ठीक है देखिए गाइस। चलो अभी इसको कर देते बाहर, इसको कर देते हैं पैक भाई वापस से, अभी ये हो रहा है। तो चलो अब मस्त चिकन वगैरह बन के रेडी हो जाता है गाइस, फिर इसके बाद मस्त चिकन खाएंगे। तो चलो अब चिकन रेडी होने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। चलो गाइस चिकन वगैरह बन के रेडी हो गया था तो तुरंत खा लिए, तो चलो कोई बात नहीं, डिनर का वीडियो शूट नहीं किया, तो चलो तो अब मैं सबको करता हूँ एंड गाइस, और अब मैं करूँगा एडिटिंग वगैरह स्टार्ट। तो चलो आई होप आपको आज का ये सिंपल सा नॉर्मल ब्लॉग था पसंद आएगा, तो लाइक करना गाइज, एंड अभी तक हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर दो, मिलते गाइज जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में,
थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।